हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बलून स्लीव स्टॉप का वीडियो शेयर करूंगी। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉप को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया है सिर्फ 1.5 मीटर का फैब्रिक, क्योंकि स्लीव्स जो है वो काफ़ी बाउंसी, इसलिए 1.5 मीटर का फैब्रिक लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ। तो इसकी सबसे पहले मैं बॉडीज कट कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने 2 टुकड़ों में फैब्रिक लिया है, जिसे 4 भाग में मैंने फोल्ड करके प्लेस कर लिया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर हाइट जो रखी है वो 21 की है। थोड़ी सी लॉन्ग टी शर्ट, थोड़ा सा लूज रहेगी मेरी टी शर्ट। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। जितना भी शोल्डर है उसमें आप उसका 1/4 हिस्सा ले लीजिए, प्लस 1 हर जगह से आप लीजिएगा फॉर सीम अलाउंस। उस डॉट के नीचे अपने आर्म होल्स के लिए एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, एंड उस पॉइंट के नीचे अपने चेस्ट का 1/4 हिस्सा मेजर कर लीजिए। एंड उस बॉक्स क्रिएट कर जाएगा, उसमें 1/2 इंच और 1 इंच का कर्व शेप दे दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फिटिंग नहीं रखेंगे, बस अपना इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कमर 7 इंच पे रहेगी, हल्का सा कमर की तरफ एक स्लाइड शेप देते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक बैक का मैं 3 इंच रखूँगी, फ्रंट का 6 इंच रखूँगी, एंड नेक की जो ब्रेथ रहेगी वो 4 इंच की रहेगी। एंड शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हुए हम वहाँ पर मेजर कर लेंगे, एंड दोनों ही नेक के हिस्से को हम वहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, कटिंग। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम सारे बैक के पोर्शन को कट करेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं, एंड उसके बाद हम फ्रंट के पोर्शन को कट करेंगे। तो मैंने बैक के पोर्शन को कट कर लिया है। अब एक फैब्रिक इसमें से हटा देंगे, जो कि हमारा बैक करेगा, एंड बाकी का जो फैब्रिक होगा उसे एक और बार हम फोल्ड कर लेंगे। एंड फ्रंट का नेक और आर्म होल जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे फॉर अ ब्यूटिफुल फिटिंग। एक्स्ट्रा कटिंग हम ऐसे ले करते ताकि हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आ सके। सो यहाँ पर अब फ्रंट एंड बैक दोनों का ही पोर्शन हमने कट कर लिया है, एंड ये कुछ इस तरीके का लगेगा। आगे की तरफ हल्का सा वी शेप हमने दिया है, और अब हम अपने बैक का शोल्डर कपड़ा जो है इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे, शोल्डर को स्टिच कर देंगे, और नेक का जो एरिया है उसे 1/2 इंच अंदर फैब्रिक फोल्ड करते हुए हम वहाँ पे सिलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो है वो एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे नेक एरिया को हमने स्टिच कर लिया है, एंड शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स तैयार करनी होगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बलून स्लीव टॉप है, तो इसका जो हमने बलून पोर्शन सिर्फ रिस्ट के पास दिया है, हमने यहाँ पर आर्म होल्स के पास यानी ऊपर शोल्डर के पास हमने कोई भी पफ नहीं दिया है, सिर्फ नीचे दिया है। उसके लिए हम फुल स्लीव यहाँ पर बनाएंगे। तो कपड़े को 4 भाग में फोल्ड करके रखिए। 22 इंच की मैं यहाँ पे स्लीव्स तैयार करूँगी। आर्म होल्स का जो हिस्सा होता है वो नॉर्मली जैसे आप अपने सारी स्लीव्स को कट करते बस वैसे ही कट करना है। प्लस 1 आर्म होल्स ले लीजिए, वहाँ से 4 इंच का एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, नीचे उस पॉइंट के नीचे 3 इंच का पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, एंड इस तरीके से उसे स्ट्रेस कर लीजिए। एंड नीचे की जो गोलाई होगी, जितना चौड़ा आपका कपड़ा आपको मिल रहा है उतना पूरा ले लीजिए, ताकि जब आप आगे जाके इलास्टिक ऐड करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी वहाँ पर जो है वो फुगा फुगा सा लगेगा, चूँकि बलून जैसा लुक देता है, इसीलिए इसे बलून स्लीव्स कहते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया। अब इन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रॉन्ग साइड प्लेस कर लीजिए, एंड जैसे हमने फ्रंट के बॉडीज में 1/2 इंच का आर्म होल्स के पास कट किया था, वैसे स्लीव्स में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, एंड वहाँ पर जो है वो एफ लिख देंगे, ताकि वहाँ की जो फिटिंग है वो अच्छी आए। तो जैसे हमने आर्म होल्स के पास कट किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर भी स्लीव्स के पास भी एक्स्ट्रा कट कर देना है, और वहाँ पर हम एफ लिख देंगे। तो इस तरीके से वो हमारा फ्रंट हिस्सा बन जाएगा, और नीचे की ओर हम इलास्टिक ऐड करेंगे। तो इलास्टिक के लिए आप अपनी रिस्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लूज रखूँगी ताकि स्लीव अच्छे से मूव हो सके, ज़्यादा टाइट ना रहे, तो मैं इतनी इलास्टिक लूँगी। उसके बाद हम इस इलास्टिक को कट कर लेंगे। दोनों हाथ के लिए हमें इलास्टिक को कट कर लेनी होगी, एंड इलास्टिक लगाने का तरीका ऐसा है कि एक एंड पर आप इलास्टिक को इस तरीके से रखिए, एंड इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, इलास्टिक को वहाँ पर लॉक कर लीजिए। अगर आपने इलास्टिक को लॉक नहीं किए तो आप खींचेंगे तो इस लाइन से इलास्टिक बाहर आ जाएगी। तो सबसे पहले इस इलास्टिक को वहाँ पर सिलाई देकर अटैच कर लीजिए, एंड उसके बाद इलास्टिक को पे नहीं कपड़े पे सिलाई मारेगा, ताकि इलास्टिक को खींचने में आपको आसानी हो, एंड पूरे कपड़े को आप अच्छे से गैदर कर सके। सो यहाँ मैंने कर लिया है, दोनों ही स्लीव्स के एंड पोर्शन पे मैंने इस तरीके से इलास्टिक लगाकर इसे अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा लुक दे दिया है। अब हम अपनी स्लीव्स को बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे, जिसके लिए बॉडीज़ का जो हिस्सा होगा उसको फ्रंट में रखेंगे, एंड स्लीव्स को उल्टा रखते हुए स्लीव्स और आर्म होल्स पे हम जॉइन कर लेंगे। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो आपने एक्स्ट्रा कट किया था कपड़ा वो
फ्रंट पोजीशन पे आए तो आपकी फिटिंग जो है वो अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आपको अपने स्लीव्स और कपड़े को अटैच कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है आपको बता रही, दोनों ही स्लीव्स को कुछ इसी तरीके से अटैच करना है। सो मैंने यहाँ अटैच कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है इसे क्रिएट करने के लिए। अब इसे रॉन्ग साइड फ्लिप कर लीजिए एंड साइड की जो है फिटिंग दे दीजिए। इस तरीके से स्लीव से लेकर साइड की फिटिंग दे दीजिए और नीचे का जो रो है जो उसे भी हेम कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया है और ये टॉप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टाइलिश है, स्मार्ट है एंड मीनवाइल बहुत इजी है। बहुत ही, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी इस ट्यूटोरियल को देख कर आप इजीली इसे अपने लिए बना सकते हैं। अगर आपके पास मेंस की पुरानी शर्ट है तो उसके साथ तो आप इजीली बना लेंगे। तो ये रहा मेरा आज का ये टॉपिक जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेसिक है बट एट द मीन वाइल बहुत स्मार्ट है। तो आप इस तरीके का एक कैजुअल सा टॉप अपने लिए बना सकते हैं, चाहे आपके पास प्रिंटेड दुपट्टा हो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। कॉटन फैब्रिक अगर कोई वेस्ट पड़ा है तो आप झट से इसे बना लीजिए, बहुत सुंदर लगता है। अगर आपकी कोई कुर्ती है फ्लेयर स्लीव्स की तो आप इस तरीके से उस फ्लेयर पर इलास्टिक लगा कर ऐसे स्लीव्स का लुक दे सकते हैं, जो काफ़ी स्मार्ट और ईजी वे है ऐसी स्लीव्स को टर्न करने के लिए। आप इसे अंदर टक करके भी जीन्स में वेयर कर सकते हैं, जो इवनली बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत अच्छा ही लुक देता है, सुंदर लगता है, आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एनहांस करता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं एक बलून सिंपल टॉप क्रिएट करके बताऊँ, तो आज मैंने इस टॉप को क्रिएट किया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो एंड होने से पहले मेरे को सब्सक्राइबर्स है जायदा खान, जिनको थैंक्स करूँगी, और तनु राजपूत के लिए ये वीडियो मैंने आज अपलोड किया है। तो आई होप तनु आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लूँ, बस गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।